दोस्तों आपके सामने जो क्वाइन पड़े हुए हैं, ये क्वाइन कोई आम क्वाइन नहीं है, काफ़ी रेयर क्वाइन है। और ये क्वाइन जो है 1 रुपये के सिक्के पे है। दोस्तों इस तरह क्वाइन काफ़ी रेयर हैं, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में दोस्तों। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप इस तरह क्वाइन को कितने में सेल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि गोल्ड क्वाइंस की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी कीमत लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। बस ये मतलब होता है कि ये क्वाइन कितना रेयर है और कितना खास है। दोस्तों जो मैं क्वाइन की बात करने जा रहा हूँ, ये क्वाइन तो पहली बात कि इस तरह के सिक्के बंद हो गए हैं, इस तरह के सिक्के बनना बंद हो गए हैं। कॉपर निकल का ये कम्बिनेशन का ये सिक्का है, इस तरह के सिक्के बंद हो गए हैं। इसके ऊपर खास बात है, ये सिक्के कॉमरेटिव सिक्के हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये 1990 की जन्म शताब्दी का ये सिक्का है, ये काफ़ी रेयर है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सिक्का है, ये सब के सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। ये भी जन्म शताब्दी 1989 का है इनका, और देख सकते हैं ये भी काफ़ी रेयर है। और ये 1 रुपये के कॉइन पर, इस तरह के कॉइन जैसे भारत रुपया इंडिया सत्यमेव जयते, इस तरह के कॉइन जो हैं बंद हो गए हैं, काफ़ी रेयर हैं इस तरह के मिलना। इसके ऊपर कमोडिटी कॉइन का मिलना भी बहुत खास बात है। इसके बाद राजीव गांधी का देख सकते हैं, 1944 से 1991 का है ये राजीव गांधी का। और इसके अलावा जो आपको बता दूँ कि ये एक है क्वाइन खाद्य एवं पोषकता का है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 1992 का ये क्वाइन है, 1 रुपये के एक सिक्के पे ये क्वाइन है इस तरह का। इसके अलावा एक और बता दूँ क्वाइन जो है आपके पास, वह है समेकित बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह क्वाइन काफ़ी रेयर क्वाइन है। और एक और क्वाइन जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये है 90वां अंतर संसदीय संघ सम्मेलन 1993 का है। और इसके अलावा एक और हमारे पास है फूड एंड इन्वायरमेंट वर्ल्ड फूड डे, इसका है क्वाइन। तो दोस्तों ये इस तरह क्वाइन काफ़ी रेयर हैं, इस तरह क्वाइन मिलते नहीं। इसके अलावा एक और हमारे पास क्वाइन जो है ये नए सिक्कों में है, ये भारतीय डाक इंडिया पोस्ट का 150 बस घाट पे ये क्वाइन तो मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा रेयर नहीं है। ये है सेलुलर जल का है। इसके अलावा एक और ये क्वाइन है सेंट संत ज्ञानेश्वर, इनका क्वाइन है। इसके अलावा एक क्वाइन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष का। तो दोस्तों ये जो क्वाइन है, जो मेरे पास ये 6 क्वाइन मतलब 6 तरह के क्वाइन है, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इस तरह के क्वाइंस आप 5,000 रुपये के आसपास बेच सकते हैं ऑक्शन में, ऑनलाइन सेल में। इसको यदि आपके पास इस तरह क्वाइन है तो आप उसको ऑनलाइन 5,000 रुपये कम से कम रेट में बेच सकते हैं। यदि खुले मार्केट में आपको बेचना हो तो इस तरह क्वाइन आपको 1,000 रुपये से नीचे ना बेचें, यदि इस तरह के आपके पास क्वाइन है, क्योंकि ये क्वाइन ज़्यादा रेयर नहीं है, अभी हाल फिलहाल के क्वाइन हैं, ये क्वाइन मिल रहे हैं। इस तरह क्वाइन आपके पास हो तो इस तरह क्वाइन आप 150 रुपये से ऊपर लेकर 1,000 रुपये तक बेच सकते हैं। इस तरह क्वाइन है और हैं इस तरह के क्वाइन, तो मिनिमम 150 रुपये से लेकर आप 1,000 रुपये तक बेच सकते हैं। इस तरह क्वाइन है तो आप इसको 5,000 रुपये मैक्सिमम बेच सकते हैं, और मिनिमम इसको 1,000 रुपये में खुले मार्केट में बेच सकते हैं। और भी ऑक्शन का कोई रेट नहीं होता, वहाँ बेच सकते हैं, क्योंकि ये क्वाइन काफ़ी रेयर हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वाइंस के बारे में जानने के लिए और अवेयर होने के लिए मेरे चैनल टेक इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं अधिक से अधिक आपके लिए ऐसे ही क्वाइंस के ऊपर वीडियो बनाता रहूं, ताकि आपको पता चल सके किस क्वाइन का कितना रेट है। दोस्तों आजकल क्वाइंस इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगा सकते हैं, और दिन पर दिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है, और क्वाइंस कलेक्शन में काफ़ी लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए टेक इंडिया। बाय।